हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली, सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बी कॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स, एंड आज का टॉपिक है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स टॉपिक हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट में डिफरेंस, कि ब्रांच अकाउंट जो होता है एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट जो होता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बेसिस ऑफ एलोकेशन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लोजिंग स्टॉक एट ट्रांसफर वैल्यू, स्टॉक रिजर्व एंड देन डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो हियर इज अवर इंट्रोडक्शन। क्या है, अ लार्ज बिजनेस कंसर्न मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंट। यहां पर क्या बोला है कि कोई भी बिजनेस कंसर्न है, कोई भी बिजनेस फर्म है, वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट्स में जो डिवाइड है उसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। वो अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑपरेट अंडर वन रूफ। अब देखो, जो भी डिपार्टमेंट है वो वन रूफ के अंडर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोलें कि मान लो यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है एबीसी कंपनी जो है वो अगर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, सो फर्स्ट जो डिपार्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सो ये इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, बट कंपनी क्या है, पूरी एबीसी है। इट मीन्स अंडर वन रूफ सारे डिपार्टमेंट कवर होते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने वर्क डिवाइड कर रखा है कि भाई ये वाला प्रोडक्शन का है, ये मार्केटिंग का है, ये सेलिंग का है, सो वो हमारे कहलाते हैं सेगमेंट्स, ठीक है। The division into various departments may be on the basis of functions, process or products or may be any combination of above as it may be suitable to the organization. आप देखो, जो departments होते हैं उनको डिवाइड किस तरीके से करेंगे, सो वो किस बेसिस पर डिवाइड होते हैं, या तो फंक्शंस के बेसिस पर हो सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें किस तरीके का काम हो रहा है, क्या फंक्शंस हो रहे हैं, या क्या प्रोसेस उसमें चल रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में किस चीज के बारे में वर्क हो रहा है, ठीक है। सो या फिर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने क्यों बोला, इस डिपार्टमेंट में जो है वो सारी चीजें देखी जाएंगी, जो गुड्स जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें प्रोडक्शन जब हो रहा है सो उस टाइम पे जो सारी चीजें आ रही है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगी। मार्केटिंग का मतलब कि उसको एडवर्टाइज करने का, उसको मार्केट में ले जाने का, वो सारी चीजें मार्केटिंग में आ जाएंगी। सेलिंग में जो भी गुड्स सेल होते हैं उसका आ जाएगा, ठीक है। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। मैनेजमेंट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वर्किंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट टू एसर्टेन देयर रिलेटिव एफिशिएंसीज। देखो, बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है वो क्या करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया तीन डिपार्टमेंट है, तो जो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क चेक करना, उनकी इफिशियंसी चेक करना, ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इफिशियंटली वर्क कर रहा है। Departmental accounts are great help to the management as information for the taking various type of decisions. जो departmental accounts होते हैं, जो departmental accounts बनाते हैं, जैसे अलग अलग department हैं, अब department के अलग अलग account बनेंगे, ठीक है, उसमें जो भी adjustment होती है वो management को help करती है decisions लेने में, क्योंकि उनको जो information चाहिए होती है वो उस account से information ले लेती है and then अपने decision को अच्छे से decide कर पाती है। Management can compare result of one department with other department. अब देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग अकाउंट होंगे एंड सारी चीजें उसमें जो जो वर्क हो रहा है उस हिसाब से होंगी। सो मैनेजमेंट क्या करता है, जो एक डिपार्टमेंट है उसके जो भी रिजल्ट है, जो भी अकाउंट है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के अकाउंट से कंपेयर कर सकता है एंड चेक कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम देख लेते हैं ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। आप देखो, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में जो डिफरेंस है वो किस तरीके से गिवन है। सो फर्स्ट हम देखेंगे ब्रांच का। ब्रांच लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस मे बी इन डिफरेंट कंट्रीज। जो ब्रांच होती है वो अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग जगहों पर लोकेटेड होती है। किसी भी एक बिजनेस की ब्रांच है सो वो अलग अलग जगहों पर लोकेटेड होती है एंड वो अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकती है, ठीक है। देन अगर डिपार्टमेंटल अकाउंट की बात करें, सो डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज लोकेटेड अंडर वन रूफ, वन रूफ के अंदर ही लोकेट होता है, ठीक है।
And then second and normally branches are opened by manufacturer to avoid middleman's chain. जो normally branches open की जाती हैं, वो किसके द्वारा open की जाती है? Manufacturer के द्वारा. और क्यों की जाती है? जो भी middleman है, उसको avoid करने के लिए, eliminate करने के लिए, ठीक है? Normally concern purchase different type of goods directly from manufacturer sale to end users. यहाँ पर क्या होता है, जो purchase होते हैं अलग अलग type के goods की, उसको directly manufacturer से, जो उसका ultimate consumer है, user है, उस तक पहुंचाना, वो होता है departmental store में. एंड देन थर्ड है ब्रांच सेल वन टाइप ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय देम. ब्रांच जो होती है वो वन टाइप का ही गुड सेल करती है. जैसे मान लो चार ब्रांच हैं, तो वो चारों ब्रांच वही सेम प्रोडक्ट सेल करेंगी, ठीक है? एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल अंडर वन रूफ. अलग अलग मैन्युफैक्चरर से मतलब परचेज कर लिया रॉ मटेरियल एंड देन उसको उसी रूफ के अंदर सेल कर दिया उस प्रोडक्ट को. देन नेक्स्ट है ब्रांच में बी डोमेस्टिक इफ इन सेम कंट्री और फॉरेन ब्रांचेस. मतलब हम कह सकते हैं ब्रांच जो है वो डोमेस्टिक भी हो सकती है, जो सेम कंट्री में होंगी उसको हम डोमेस्टिक बोलेंगे, और फॉरेन ब्रांचेस भी हो सकती है जो अदर कंट्रीज में होंगी. डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड एज वन प्लेस अंडर वन रूफ. जो डिपार्टमेंट होते हैं वो एक ही जगह पर लोकेटेड होते हैं और एक ही रूफ के अंदर लोकेटेड होते हैं. द नेक्स्ट इज सिंस द ब्रांच इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेज डज नॉट अराइज. अब देखो ब्रांच जो है वो अलग अलग जगह पर होती है, सो यहाँ पर जो कॉमन एक्सपेंस होते हैं वो अराइज नहीं होते, उसकी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है एलोकेशन की. एंड देन नेक्स्ट है कॉमन एक्सपेंस आर ऑलवेज लोकेटेड इन सम रेशियोज. जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें क्या होता है, हमेशा वहां पर कॉमन एक्सपेंस का एलोकेशन रहता है, वो चाहे जो भी रेशियो में रहे, ठीक है? सो ब्रांच और डिपार्टमेंट का अगर हम यहाँ पर देखें, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, क्या डिफरेंस है ब्रांच एंड डिपार्टमेंट में? सो ब्रांच क्या बोला है, ब्रांच जो है वो अलग अलग जगहों पर होती है, ठीक है? ब्रांच यहाँ पर जो है ये अलग अलग प्लेसेस पर होती है, अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकती है, ठीक है? ब्रांच जो है वो सेम कंट्री में भी होती है, डिफरेंट कंट्री में भी होती है. सेम में होगी तो वो आपकी डोमेस्टिक कहलाएगी, एंड डिफरेंट कंट्री में होगी वो फॉरेन ब्रांच कहलाएगी. अब फॉरेन ब्रांच में जो है वो एक ही टाइप का गुड सेल किया जाता है, ठीक है? अब मान लो जैसे ब्रांच जो है ये वाली जो है वो दिल्ली में है, ठीक है? ये जो है वो मुंबई में है, ठीक? एंड ये है कोलकाता में, ठीक? सो ब्रांच जो है वो अलग अलग प्लेसेस पर लोकेटेड होती है. अब अगर डिपार्टमेंट की बात करें, देन डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक कंपनी है एबीसी, ठीक है? एक जो फर्म है एबीसी हमने ले ली. अब एबीसी के अंदर ही तीन डिपार्टमेंट आ जाएंगे हमारे, ठीक है? फर्स्ट आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड देन सेलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? सो ये तीन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग है एंड सेलिंग का डिपार्टमेंट अलग है. तो इन तीनों के अलग अलग अकाउंट्स बन जाते हैं, बट ये सब होता क्या है, एक ही रूफ के अंदर. मतलब ये अगर कंपनी जो है वो मुंबई में है, ठीक है? सो ये सारी चीजें जो इसके सारे डिपार्टमेंट हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स भी मुंबई की एबीसी कंपनी के अंडर ही होंगे, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ गया ब्रांच एंड डिपार्टमेंट का. देन नेक्स्ट देखते हैं हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इफ ओनली सिंगल पी एंड एल अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द एंटायर बिजनेस देन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन नॉट बी एसर्टेन. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जहां पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है, सो डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं बिजनेस फर्म के, अगर उसमें सिंगल पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हर डिपार्टमेंट का है वो अलग अलग निकल कर नहीं आएगा, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. अब देखो जो बिजनेस फॉर्म है उसमें जो भी डिपार्टमेंट है उनको हम सेपरेट मानते हैं, ठीक है? उनकी एक अलग एंटिटी, अलग पहचान है, सेपरेट एंटिटी मानते हैं सबको. एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. सो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग दोनों के पर्पज से हम उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे. जैसे मान लो यहाँ पर हमने देखा था कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है? एंड यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एंड सेलिंग डिपार्टमेंट है. सो ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग है, इट मीन्स कि इनके जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा अलग अलग बनेगा, ठीक है? जो भी रिकॉर्डिंग होगी प्रोडक्शन वाली, सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन वाले अकाउंट्स में होंगी, मार्केटिंग की मार्केटिंग में एंड सेलिंग की सेलिंग में, ठीक है? सो इसको हम अलग अलग ट्रीट करते हैं. इन सेम प्रेमिसेस अ सेपरेट अकाउंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स
Books of account are so designed so it's possible to prepare separate trading account, profit and loss account for each department. अब यहाँ पर क्या बोला है कि सेम प्रेमिसेस है, ठीक है, वही प्रेमिसेस में क्या किया जाता है, सेपरेट अकाउंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है उन्हें सबको रिकॉर्ड की जाती है सारे डिपार्टमेंट्स में, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये प्रिपेयर करना पॉसिबल हो जाए कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बन जाए, ठीक है. The working of one department can be compared with another department. अब जब अलग अलग होगा, production का trading है, ठीक है, P&L है, so इसमें जो marketing का trading and P&L है, so उससे हम उसको अलग अलग compare कर सकते हैं, ठीक है. The next point is preparation of separate accounts serves the following purpose. तीनों का अलग अलग अकाउंट बनाया, जितने भी डिपार्टमेंट है उनका सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे. सो अलग अलग अकाउंट जो बना रहे हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो बना रहे हैं, सो उसमें क्या पर्पज होता है, किस पर्पज के लिए वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं एंड क्या पर्पज उससे फुलफिल होता है. सो फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी असर्टेन. हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, अलग अलग लॉस निकल के आ जाएगा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है. अगर सिंगल फॉर्म का एक P&L बनाते हो देन उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का निकल के नहीं आता है. एंड नेक्स्ट है करेक्टिव टाइमली मेजर्स फॉर इनइफिशियंट डिपार्टमेंट कैन बी टेकन. जो भी इनइफिशियंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए टाइम से सही मेजर्स सही करने के लिए उनको कुछ स्टेप्स ले सकते हैं. जैसे मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है, सारे अकाउंट्स चेक किए, अगर उसमें इफिशियंटली वर्क नहीं हो रहा है सो उसमें कुछ ऐसे मेजर्स लगा सकते हैं जिससे उसका टाइम करेक्ट हो जाए एंड जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो करेक्टली सही तरीके से हो जाए. एंड नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू फिक्स ब्रांच मैनेजर्स कमीशन ऑन बेसिस ऑन प्रॉफिट. ब्रांच मैनेजर का जो कमीशन होता है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट डिपार्टमेंट का निकल के आता है. एंड नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कैन बी रिकॉर्डेड ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस. जो भी डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होते हैं उनको ट्रांसफर प्राइस पर या फिर सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है. The next is stock reserve, unrealized profit on goods transfer can be calculated. जो भी stock reserve है, unrealized profit है, उसको हम क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं अगर अलग अलग accounts बनाते हैं. The next is assist the management for controlling the business more efficiently, intelligently. जो भी department है अलग अलग तो उसको management को ये assist करते हैं records कि business को control कर सकें और efficiently और intelligently, ठीक है. The next point is basis of allocation. जो भी allocation होता है उसका basis क्या होता है. Allocation of common expenditure among different departments. Expense incurred especially for each department are recorded separately and charged directly there too. Example, salary is paid to staff working in a particular department. अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि जो भी allocation है common expenditure का वो अलग अलग department में होगा, ठीक है. जो भी expense हो रहे हैं वो specially उसी department में जो होंगे वही record किए जाएंगे. जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं देन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है. वो सेल्स डिपार्टमेंट के में नहीं किए जाएंगे, मार्केटिंग के में नहीं किए जाएंगे. सो जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो एक्सपेंस होते हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि सैलरी पेड की है तो जिस भी डिपार्टमेंट की सैलरी पे की है प्रोडक्शन की है सो प्रोडक्शन की आ जाएगी, ठीक है. मार्केटिंग की है देन मार्केटिंग की आ जाएगी. कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, द एक्सपेंस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हाउएवर डिपार्टमेंट आर बेनिफिटेड. कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होते किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से. जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक्सपेंस का, सो उसमें वो एक्सपेंस ऐसा नहीं है कि वो हम कह सके पर्टिकुलरली कि भाई ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है या ये सेल्स से रिलेटेड है सो ये इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा. मतलब जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं आता है बल्कि वो उस डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिटेड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉलोइंग टेबल गिव्स सुइटेबल बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सच एक्सपेंस. ऐसे जो एक्सपेंस होते हैं हमारे कॉमन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उनका बेसिस ऑफ एलोकेशन देख लेते हैं कि उनको कैसे एलोकेट करते हैं, एलोकेट करने का बेसिस क्या होता है. फर्स्ट है जैसे रेंट या रेट, ठीक है. रेंट रेट है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट. अब रेंट किस हिसाब से दिया जाएगा, जितना मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने कितना फ्लोर जो है वो ऑक्यूपाई किया गया है वही रेंट वो लगाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है. देन नेक्स्ट है लाइटिंग. लाइटिंग का ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कंजप्शन की कितनी लाइट कंज्यूम हो रही है. इफ एक्चुअल इज नॉट अवेलेबल ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ पावर लैंप्स यूज्ड आर एरिया कवर्ड.
यहाँ पर बोला है कि अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में नहीं कवर कर पा रहे हो या पावर ऑफ लैम्प्स में जो भी यूज हो रहे हैं कि जितने भी लैम्प्स यूज हुए या जितना भी एरिया कवर्ड हुआ उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस पे होता है ये तो साफ समझ में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हमारा सेल के लिए होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कोई एडवर्टाइज नहीं करना है, ठीक। सो सेल जितनी भी होगी तो सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। देन फोर्थ है सेल्स कमीशन। अब सेल्स कमीशन भी सेल्स पर ही लगेगा। देन डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, जब सेल करेंगे कस्टमर को तभी उसको डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, वैसा तो नहीं है कि सेल हुई नहीं है तो डिस्काउंट किसको दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट भी हमारी सेल से रिलेटेड होती है अगर क्रेडिट सेल होती है, सो क्रेडिट सेल में बैड डेट आ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर फॉर मशीन। अब इलेक्ट्रिक पावर जो मशीन के लिए यूज हो रही है ऑन द एचपी ऑफ इक्विपमेंट और नंबर ऑफ मशीन इन ईच डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी मशीन लगी हुई है एंड उसमें कितनी पावर यूज हो रही है और कितने घंटे वो चल रही है। देन नेक्स्ट है वर्क मैनेजर सैलरी। मैनेजर की सैलरी टाइम स्पेंड बाय हिम फॉर ईच डिपार्टमेंट। मैनेजर ने जिस डिपार्टमेंट में जितना टाइम स्पेंड किया उस हिसाब से उसकी सैलरी होती है। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पर। सो वैल्यू ऑफ एसेट एम्प्लॉयड बाय ईच डिपार्टमेंट, जितने भी वैल्यू है एसेट की हर डिपार्टमेंट की वो उस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देन नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब जितने एरिया में एयर कंडीशनर या एसी लगा हुआ है जितना एरिया उसका कवर हो रहा है तो वो एरिया उसमें आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज इंश्योरेंस या स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक हैल्ड इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। स्टॉक का मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसमें वर्क इन प्रोग्रेस में होगा या रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसमें फिनिश गुड होंगे। सो टोटल जो सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा वो स्टॉक का आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है बिजनेस में, सो अगर ट्रांसफर करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स या सर्विसेज, सो उसकी क्या एंट्रीज होंगी, क्या होगा। यूजुअली डिपार्टमेंट सप्लाई गुड्स सर्विसेज टू वन अनदर, एक दूसरे को सप्लाई करते हैं। दीज ट्रांजेक्शन शुड बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एंड चेंज टू द डिपार्टमेंट बेनिफिटिंग दीज बाय द क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग इट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करते हैं और इन ट्रांजेक्शन को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। टोटल ऑफ सच बेनिफिट शुड बी डिस्क्लोज इन द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर ऑफ द इनकम और एक्सपेंस। अब यहाँ पर जो टोटल बेनिफिट होता है उसका वो डिस्क्लोज किया जाता है डिपार्टमेंट के जो भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें अलग अलग तरीके से, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, उसको शो किया जाता है। द डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मे बी। अब डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है वो किस किस बेसिस पर होगा। फर्स्ट हो जाएगा एट कॉस्ट, देन सेकेंड है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें लोडिंग और ट्रांसफर वैल्यू आ जाएगा। देन थर्ड है सेलिंग प्राइस, ट्रांसफर वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू, मतलब जो भी ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का वो जो कॉस्ट है उस पर हो रहा है या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो रहा है या फिर सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक एट ट्रांसफर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर वैल्यू की कैसे आएगी, When one department transfer goods at transfer price, maybe at cost plus profit or selling price, जब एक department दूसरे department को goods transfer करती है, अब वो transfer price क्या होगा, transfer price जो price पर वो transfer करेगी वो transfer price कहलाएगा। अब वो price जो है वो cost plus profit भी हो सकता है, selling price भी हो सकता है। Is included profit charged by another department, अब उसमें क्या होगा, profit include है जो दूसरे department में दूसरे department ने उसमें add किया है, charge किया है दूसरे department से। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लो production department है, उसने transfer किए हैं sales department को, ठीक है। अब यहाँ पर goods जो है वो मान लो 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से ट्रांसफर किया, सो ये 5 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी हो सकती है, ठीक है। इन केस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पार्ट ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा कि जो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में स्टॉक बचता है, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, ठीक है, जो सोल्ड हो गया वो तो चला गया, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट टू रिसीविंग डिपार्टमेंट विच इंक्लूड प्रॉफिट चार्ज्ड बाय ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, प्रॉफिट आर ऑलवेज अकाउंटेड ओनली व्हेन रियलाइज। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी डिपार्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट होगी डिपार्टमेंट उस पर रिसीव करेगा और उसमें प्रॉफिट भी चार्ज करेगा, तो जो प्रॉफिट जब तक हम रियलाइज नहीं होता है तब तक उसको अकाउंट्स में नहीं लगाते हैं, तब तक उसकी जो वैल्यू रहती है वो कॉस्ट वाली रहती है, ठीक है।
देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक नीड्स टू बी एडजस्टेड बाय क्रिएटिंग स्टॉक रिजर्व. इसीलिए स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसको एडजस्ट करना जरूरी होता है क्रिएटिंग स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व को क्रिएट करके. ठीक है, अब स्टॉक रिजर्व क्या होता है वो देख लेते हैं. स्टॉक रिजर्व क्या है? द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट इज एलिमिनेटेड बाय क्रिएटिंग स्टॉक रिजर्व. अब देखो स्टॉक रिजर्व यहाँ पर क्या बोला कि जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लगाते हैं. ठीक है, सो जो डिपार्टमेंट ने रिसीव किया तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं? स्टॉक रिजर्व लगा के. ठीक है, अब स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो भी ट्रांसफर वैल्यू होगी क्लोजिंग स्टॉक की, इनटू प्रॉफिट इंक्लूड इन ट्रांसफर प्राइस. ट्रांसफर प्राइस जो है उसमें जितना भी प्रॉफिट इंक्लूड है, जैसे यहाँ पर हमने 5 रुपीज बोला, सो अगर इसमें जो है 4 की कॉस्ट है और 1 का जो है वो प्रॉफिट है. ठीक है, सो यहाँ पर प्रॉफिट का ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया 1 रुपीज, एंड देन ट्रांसफर प्राइस, टोटल ट्रांसफर प्राइस कितना हो गया 5 रुपीज. ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे स्टॉक रिजर्व. So, ये हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट हम देखेंगे डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स. डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं? द डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स कंटेन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लास्ट में बनाते हैं एक बैलेंस शीट. ठीक है, सो ये फाइनल अकाउंट्स या हम कह सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में. सो किस तरीके से बनाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम ये सारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे. तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या होता है, एंड ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अलग अलग अकाउंट्स और इनका पर्पस क्या होता है डिपार्टमेंट्स का, बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड उसकी टेबल हमने देखी कि कुछ पॉइंट्स जो हम देखते हैं कि ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आने हैं एंड उसका बेसिस क्या होगा. देन नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर होता है गुड्स या सर्विसेज का, सो वो कैसे होगा. क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर वैल्यू पर किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला आपको लर्न करना है. एंड ये थे हमारे डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स जिसका फॉर्मेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.